और अब बात करेंगे बहराइच की, जहां पर ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है, भेड़ियों की तलाश की जा रही है। अब इस पूरे ऑपरेशन पर सरकार की पैनी नजर है, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर पर नजर बना रखी है और देखिए योगी जी की तरफ से सख्ती का भी अब देखा जा रहा है असर। ऑपरेशन भेड़िया को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस प्रशासन समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी फील्ड पर उतरे हुए हैं। आदमखोर भेड़िए रात 10 से सुबह 5 बजे के बीच हमला करते हैं। बहराइच के मसी इलाके में लगातार हो रहे आदमखोर भेड़िए के ताबड़तोड़ हमले को लाख कोशिशों के बावजूद न रोके जाने से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आज जहां उत्तर प्रदेश के वन मंत्री और बहराइच के जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने ऑपरेशन भेड़िया की समीक्षा की, तो वहीं उन्होंने आज से ही पूरे प्रभावित क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी करने का निर्देश दिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग मैसी क्षेत्र के बग्गर गांव में खड़े हैं, जहां पर बेहद सख्ती से जो निर्देश दिए गए हैं कि हर एक घर का दरवाजा चेक किया जाए वो बंद हो और वहां पर जो लोग हैं वो बारी बारी से गश्त करें ताकि अपने और परिजनों को इस आदमखोर भेड़िए से बचाया जा सके, क्योंकि उस दौरान सरकार ने वन विभाग के भी अधिकारियों को जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने का निर्देश दिया है। तो आम लोगों से भी ये अपील की है कि वो भी इस आपदा के मौके पर सतर्कता बरतें और खुद भी अलर्ट रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। आप देख सकते हैं कि हर एक घर इस समय प्रॉपर तरीके से बंद है, दरवाजा लगाया गया है और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बारी बारी से अपने इलाके में घूम रहे हैं ताकि उनके परिवार और उनके बच्चों की रक्षा हो सके इस आदमखोर भेड़िए से। तो बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए के तहत सुरक्षा सख्त है, रात भर घरों के सामने कर्मचारी और कई ग्रामीण पहरा देते दिखाई दे रहे हैं, पुलिस तंत्र भी अलर्ट पर है। न्यूज 18 की ग्राउंड जीरो पर पूरी टीम मौजूद है जो आपको एक एक तस्वीर और जानकारी दे रही है। जल्द ही ये दरवाजा लगाया गया है ताकि जो भेड़िया है वो हमला ना कर सके। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पतिराम निषाद। यहाँ पर आदमखोर भेड़िए के लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं उससे बचने? दरवाजे लगाए गए हैं और बाकी हम लोग रात में जागते रहते हैं डंडा लेकर और बाकी सब यही हो रहा है। कोई बच्चा घर के बाहर तो नहीं सोता है? नहीं सोता है सर, सब अंदर ही सोते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं? जी सर आते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि ये इस वक्त रात में खुद गश्त कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरह का माहौल है? हाँ है माहौल, चौकीदार रात भर देते हैं, पुलिस आवत है रात भर, चौकीदार सब कोई आवत है, पहरा देते हैं रात भर। आपका ये घर है? हाँ हमारे घर हो ये। रात इतनी हो गई आप क्यों बाहर? अब आए हैं तुम सब लोग, आएगे तो हम हूँ आएगे बाहर। अच्छा अच्छा। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर तमाम और लोग भी मौजूद हैं, आप लोग भी जग रहे हैं, क्या क्या किस तरह से बचाव करते हैं? सर दिन को दीजिए हम बोल। किस किस तरह से बचते हैं भेड़िए से, क्या क्या इंतजाम करते हैं? देखो हम सब भाला वाला ले हमेशा पहुँचते हैं और रात भर जागते हैं और बच्चों को जो ना अंदर से लाते हैं। कौन सा घर है? हमारा घर 2 साल है। अच्छा। तो बहराइच जहाँ से हमारे सहयोगी राजीव इस समय लाइव मौजूद हैं। राजीव देखिए पहले जैसे हालात तो नहीं रहेंगे, आपकी रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि अब दरवाजे खिड़की के बिना घर नहीं रह सकते, लोग बाहर रात में सो नहीं सकते हैं, तो पहले जैसी व्यवस्थाएं नहीं है जो देखी जा रही हैं बदली हैं, लेकिन अब यहां ये भी समझा जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद ऑपरेशन और तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज की अपडेट्स क्या है राजीव?
देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद ऑपरेशन भेड़िया को बेहद गंभीरता के साथ इस वक्त चलाया जा रहा है। कल आपने देखा कि खुद योगी सरकार के दो दो मंत्री बहराइच पहुंचे और उन्होंने ऑपरेशन भेड़िया में जुड़े सभी पुलिस प्रशासनिक और वन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर जो सरकार की प्राथमिकता है वो लोगों की जान बचाना है, इसीलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आपको इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना होगा, जिसके लिए इस पूरे इलाके को 3 सेक्टर में बांटा गया है और तीनों सेक्टर में कल रात से ही जो वन विभाग के विशेषज्ञों की टीम है वो चाहे लखनऊ से आई हो चाहे देहरादून से आई हो, वो सभी जो टीम मेंबर हैं वो 3 अलग-अलग जगह पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उन्होंने कैंप कर रखा है और ये वही 3 जगह हैं जहां पर भेड़िए ने अपना बेस कैंप बनाया था, वहां पर वो अटैक कर रहा है। फिर चाहे वो सिसैया चूड़ामणी का इलाका हो, कुकैला का इलाका हो या फिर जो हिंदू पूर्वा साइड जहां पर लगातार बीते दिनों भेड़िए के हमले देखे गए हैं, तो एक और वन विभाग ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ये चाहती है क्योंकि वन विभाग को 7 से 10 दिन का समय दिया गया है इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए, तो इस दौरान हमले कम हो और कोई भी असुरक्षित न हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। कल पहली बार इतनी सख्ती देखने को मिली है कि किसी भी गांव में किसी भी शख्स को बाहर नहीं सोने दिया गया, हर गांव में पुलिस की तैनाती की गई है, पुलिस के सिपाही रात भर जगते हैं और हर घर में कई राउंड जाकर लोगों को बोलते हैं कि आप या तो घर के अंदर रहें या पर छत पर रहें, क्योंकि 7 से 10 दिन तक इन लोगों को सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि अभी इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाना बाकी है। कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र में जो एक दहशत का माहौल था, एक अच्छी खबर यह है कि बीते 2 दिनों से आदमखोर भेड़िए ने किसी भी जगह पर कोई हमला नहीं किया, 2 दिनों नहीं देखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आदेश के बाद अब और सख्ती से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। राजीव शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। हरदोई की खबर आपको बता रहे हैं जहां एक एम्बुलेंस चालक पर छात्राओं के अपहरण की कोशिश का आरोप है। आरोप है कि छात्राएं छुट्टी के बाद स्कूल से वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में एक एम्बुलेंस चालक ने उनका पीछा किया। एम्बुलेंस में बैठने के लिए कहा गया, लड़कियों ने इनकार किया पर एम्बुलेंस चालक ने एक छात्रा को गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया, तभी और छात्राओं ने शोर मचाया। स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने उस एम्बुलेंस चालक को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस एम्बुलेंस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। हालांकि पुलिस ने अपहरण की घटना से इनकार किया है। ये मामला जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के GDC तिराहे के पास। कासगंज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक महिला वकील की हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया था। हत्या के बाद महिला के चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया ताकि पहचान ना हो सके। महिला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताकि पहचान ना हो सके इस महिला के चेहरे को शतविशत कर दिया गया। वारदात से आसपास पूरे इलाके में इस समय सनसनी मच रखी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। मृतका का नाम मोहिनी तोमर है। महिला का शव होने की बात संज्ञान में आई थी, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के उस शव को निकलवाया गया। एक महिला का शव है जिसकी पहचान उनके पति श्री विजेंद्र सिंह द्वारा की गई। उनके द्वारा पहचान के साथ ही पूर्व में एक दिन पूर्व ही जो गुमसुदगी लिखाई गई थी उसके संबंध में बताया ये मेरी पत्नी है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उनके द्वारा तहरीर जो प्राप्त कराई गई है उस पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। कासगंज उप न्यायालय से कल लापता हुई महिला अधिवक्ता का शव नहर में बरामद हुआ है। बताया जाता है कल 2:30 बजे के बाद से महिला अधिवक्ता मोहिनी गायब थी और लगातार पुलिस से ढूंढ भी रही थी, क्योंकि उनके जो पति हैं उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तब से लगातार पुलिस की 4 स्पेशल टीमें उन्हें ढूंढ रही थी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उन्हें लगातार तलाश किया जा रहा था, लेकिन करीब 30 घंटे के बावजूद भी उनको तलाश नहीं हुई थी। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली कि एक महिला का शव नहर में तैर रहा है, तभी मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब बाहर निकाला और उनके परिजनों को बुलाकर उसकी तस्दीक की गई है कि यह शव मोहिनी तोमर का है।
और ये बात उस बुलडोजर की करते हैं जिस पर अखिलेश के सवाल से सियासी बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ नए विवाद को जन्म दिया है बल्कि पूर्वांचल से पंगा भी ले लिया है। बुलडोजर पर सियासी घमासान ऐसा छिड़ा कि यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, बुलडोजर से हर एक व्यक्ति के हाथ में हो सकता है। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर की धमाका वह हर मंच से चमकने लगी है। क्या योगी क्या अखिलेश, हर जुबान से बुलडोजर पर सियासी वार पलटवार हो रहा है और तीखी बयानबाजी बुलडोजर से तेज निकल रही है। अखिलेश ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल क्या खड़े किए, योगी ने बुलडोजर से धमाकेदार जवाब दे दिया। अखिलेश ने कहा 2027 में सरकार बदलेगी और बुलडोजर का रुख भी। 2027 के बाद प्रदेश भर के बुलडोजरों का रुख बदलेगा। बुलडोजर का रुख सीधे तौर पर गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश के इसी बयान पर सीएम योगी ने बुलडोजर का रुख विपक्ष की तरफ कर दिया और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की उसके फौरन बाद अखिलेश यादव को अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें। स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दे। अखिलेश यादव ने न सिर्फ बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है बल्कि वो अब बीजेपी के निशाने पर भी आ चुके हैं। अखिलेश यादव के इसी बयान पर रवि किशन ने भी सियासी बुलडोजर को नया एंगल दे दिया। रवि किशन ने पूछा, क्या अखिलेश हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं? क्या गोरखनाथ की धरती को निशाना बनाना चाहते हैं? आखिर अखिलेश यादव ने सिर्फ गोरखपुर ही क्यों चुना? यानी अखिलेश यादव न सिर्फ योगी के निशाने पर हैं, बल्कि बीजेपी ने गोरखपुर और पूर्वांचल का जिक्र कर उन्हें चौतरफा घेर लिया है। मैं अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्यों आपने गोरखपुर चुना जबकि आपको पता है कि ये गोरखनाथ की ये पीठ है, एक पावन धरती है, एक एक हम एक एक लोग यहाँ पर, एक सांसद के रूप में मैं दूसरी बार जीत कर या मैं हर व्यक्ति यहाँ पर है, हमारे परदादा की जमीन यहीं पर है बड़हलगंज, हम लोग की आस्था गोरखनाथ पर है, तो क्या आप ये तुष्टिकरण की राजनीति वाला बयान नहीं था? क्या आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि जीवन में अब कभी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, लेकिन जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में दो प्रकार के हैं। एक बुलडोजर वो है जो विकास के काम में चलता है, रोड बनाता है, विकास के काम में चलता है, और एक बुलडोजर वो है जो इस प्रकार के अपराधी माफिया और ऐसे खूंखार अपराधी जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किए हैं तो वहां पर चलता है। यानी एक तरफ सीएम योगी बुलडोजर की रफ्तार को और तेज कर चुके हैं तो अखिलेश यादव अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह से उलझ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।